दोस्तों गर्मियों में सूरज की किरणों की वजह से हमारी स्किन और हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम केवल रोते रहते हैं और गर्मी को कोसते रहते हैं। बट आपको कोसने की और रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नामिका आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छे और सिंपल टिप्स एंड ट्रिक, जिनको कि फॉलो करके आप अपने हेयर्स और अपने स्किन को ग्लोइंग बनाए रख सकते होंगे। तो सूरज की किरणों की वजह से हमारे बालों की शाइन एकदम ख़त्म हो जाती है और हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा बेजान से लगने लगते हैं। तो आपको शैम्पू करने के बाद एक अच्छे से हेयर मास्क को अप्लाई करना है और 10 मिनट तक लगा के छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप फिर से नॉर्मल पानी से रिंस ऑफ कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपके बालों में फिर से बहुत चमक आ जाएगी। हमारी है दूसरे हैक की, दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको इस तरीके का धुला हुआ कॉटन का दुपट्टा लेना है। याद रखिए कि दुपट्टा भी डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, ये भी लाइट कलर का होना चाहिए और आपको अपने फेस के साथ साथ अपने बालों को भी अच्छे से रैप करना है। आपको मैंने बताया कि यूवी रेस की वजह से हमारे स्किन और हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको कुछ इस तरीके से, मैं जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको रैप करना है दुपट्टा, जिससे कि बिल्कुल भी आपके यूवी रेस आपके हेयर्स को टच ना कर पाए। सबसे पहले आप कॉटन के दुपट्टे को दोनों कान कों के पीछे ले लेंगे और जो बचा हुआ छोर है उसको मैं एक फोल्ड कर पीछे की तरफ नॉट बांध लूंगी, कुछ इस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल है। तो घर से निकलने से पहले आपको अपने फेस और हेयर्स को इस तरीके से रैप करना है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना है। ये देखिए दोस्तों, ये है मैडम जो कि इतने ज़्यादा डार्क कपड़े इतनी भरी धूप में पहने हुई हैं। क्या आपको मैडम ये नहीं पता है कि इतनी गर्मी में इतने डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए? अगर आप इतने डार्क कपड़े नहीं पहने होते तो आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती। अब आप क्या सोच रही हैं, आप जाइए और लाइट कपड़े पहने, क्योंकि दोस्तों लाइट कपड़ों में ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है और हम बहुत ज़्यादा कम थकते हैं, और वही अगर हम डार्क कपड़े पहने होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसलिए आप गर्मियों में लाइट कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी मैम, यस, लाइट कपड़ों में आप बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही हैं, तो इसलिए आप लाइट कपड़े पहने। और दोस्तों जब हम गर्मियों में बाहर से घर आते हैं तो हमें दिखता है केवल ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। और अब आप इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, ये आई हैं 40 डिग्री टेम्परेचर से बाहर से और ये पी रही हैं 20 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी। अब आप बताइए क्या इनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी? बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, यानी कि कोल्ड होना, छींके आना, और इनफैक्ट ये मेटाबॉलिक रेट को भी कम करता है और इस वजह से मोटापा भी चढ़ता है। तो दोस्तों इसीलिए जब भी आप बाहर से घर आएँ तो ठंडे पानी की जगह नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीजिए, मटके का पानी पीजिए, ऐसा करने से आपकी प्यास भी बुझती है। इनफैक्ट दोस्तों हमें अपने इंटरनल क्लोथ्स भी थोड़े लाइट कलर के पहनने चाहिए, इन स्पेशली इन समर्स। और दोस्तों अगर ये कॉटन के हों और पैडेड वाले ना हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें समर्स में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, और अगर हम ऐसे में पैडेड ब्रा और डार्क कलर की ब्रास पहन लेंगे तो आपको और ज़्यादा स्वेटिंग होगी। बट दोस्तों अगर हम लाइट कलर की और कॉटन की ब्रा पहनते हैं तो कई बार हमें निप्पल्स इसमें से शो होने लगते हैं। ऐसे में आप इस तरीके के दो कॉटन पैड्स ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो आप मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ करते हैं ना, मैं यही कॉटन पैड्स को यूज़ कर रही हूँ। और आप इसको इस तरीके से अंदर की तरफ से सेलो टेप लगा दीजिए और आप उस पॉइंट पे जहाँ पे आपके निप्पल शो होते हैं, सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, आप इस तरीके से इस कॉटन पैड्स को चिपका दीजिए और अपनी ब्रा को पहन लीजिए। ऐसा करने से आपके निप्पल्स भी शो नहीं होंगे और आपको कोई भी एम्बैरेसमेंट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेरी है ये कि हमें सनस्क्रीन कब अप्लाई करना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग क्रीम के पहले या मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बाद? तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताती हूँ। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्रीम के बाद आप प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाउंडेशन या मेकअप अप्लाई करने वाले हैं, और उसके बाद आपको करनी है सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन को लगाने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है, और उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन या बीबी या सीसी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर
अपने अंडरआर्म्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है आपके अंडरआर्म्स में से, और आप बहुत सारे अच्छे अच्छे डिओड्रेंट्स भी ऑलरेडी अप्लाई करके देख चुके हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये निविया का वाइटनिंग डिओड्रेंट रोल ऑन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप इस तरीके से अपने अंडरआर्म्स में इसको अप्लाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत टाइम तक एक तो इसकी खुशबू बरकरार रहती है, और अगर आपके अंडरआर्म्स में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस आ गई है तो ये काफ़ी हद तक उसको वाइट करने में भी हेल्प करता है। गर्मियों में बाहर निकलने से पहले आप अपने पर्स में एक चॉकलेट या बार्ले जी के बिस्किट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम होती है उन्हें तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सूरज की किरणें हमारा पूरा ग्लूकोज चूस लेती हैं, और ऐसे में अगर हम वीक महसूस करते हैं और आप दो स्लाइस या एक स्लाइस भी चॉकलेट की या बिस्किट की खा लेंगे और उसके ऊपर से पानी तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। गर्मियों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सन टैनिंग की, तो दोस्तों इसको हटाने के लिए आप कुछ इस तरीके के पाउच लीजिए कॉफ़ी के, और एक या दो पाउच आप उबाल के उसको ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइस ट्रे में इस तरीके से रख दीजिए, और जब इसके क्यूब्स बन जाए तो अपने फेस पर और जहाँ भी आपकी टैनिंग हुई है वहाँ पे आप इस तरीके से रब कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी टैनिंग पूरी तरीके से चली जाएगी। आप ये समर्स में वीक में एक या दो बार ज़रूर करें। फेस को ठंडक पहुँचाने के लिए आप फेस को बार बार धोने की बजाय इस तरीके से एक एम्प्टी स्प्रे बोतल ले लीजिए, उसमें कुछ कुकुम्बर के पीसेस और मिंट के लीव्स को डाल दीजिए और पानी भर करके फ्रिज में रख दीजिए। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो आप अपने फेस को इस तरीके से स्प्रे करते रहिए, और बातों बातों में आपका होम टोनर भी तैयार हो गया है। तो कुकुम्बर आपने काट कर छोड़ दिया था, उसको आप वेस्ट ना करें, उसको आप खा लें, क्योंकि कुकुम्बर खाना गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों बारी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टिप की। अगर आप बीच पे घूमने जा रहे हैं और आपको कुछ भी टेंशन है कि आप अपने मोबाइल और गैजेट्स किस तरीके से रखेंगे बीच पर, तो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टिप। दोस्तों आप इस तरीके से एक डायपर लीजिए और डायपर को आप दोनों साइड से इस तरीके से फाड़ लीजिए। फाड़ने के बाद आप इसमें मोबाइल को इस तरीके से रख दीजिए, और आप और दोस्तों एक चॉकलेट का पीस भी आप इस तरीके से डायपर के ऊपर से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, वैसे रख दीजिए। धूप की वजह से चॉकलेट पिघल जाएगी, और आपको समझ आ रहा है ना ये क्या लगेगा, तो आपके इंपॉर्टेंट गैजेट इस तरीके से बच जाएंगे बीच में, और आप फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय कर लेंगे। तो दोस्तों आज के थे ये हैक्स, और आई रियली होप आपको ये पसंद आए हों तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी समर्स।